हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रुचि रावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर एमपी। आज आपका टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट होते क्या हैं और हम इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, सबसे पहले देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के लिए माना हमने कोई दो वेक्टर लिए हैं ए और वी, दो कोई आपने वेक्टर्स लिए हैं, इनके बीच में अगर हम डॉट का साइन लगाते हैं तो इसको हम स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट कहेंगे या इसके अलावा हम फिर कोई दो एलिमेंट लेते हैं और इनके बीच में क्रॉस का साइन लगता है तो इसको हम वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो ऐसे हमने दो एलिमेंट लिए हैं, ए वेक्टर लिया है एंड बी लिया है, इनके बीच में डॉट का साइन लगा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा ए और बी के बीच में हमारा का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्रॉस का साइन लगता है सो इसको हम वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो हमने ए ये लिया है, मान लो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसके ऊपर कैप लगा दी हमने। इसके अलावा बी हमने लिया है पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल, अब चूंकि हमने डॉट लगाया है तो हम इनका मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल किस तरीके से करेंगे, तो मल्टीपल होगा आपका इनके कोफिशियंट का, आई के कोफिशियंट का आई के कोफिशियंट से होगा, जे के कोफिशियंट का जे के कोफिशियंट से होगा और के कोफिशियंट का के कोफिशियंट से होगा। तो ए का मल्टीपल होगा पी में प्लस बी का मल्टीपल होगा आपका क्यू में प्लस सी का मल्टीपल होगा आपका आर में, ये इनका। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इनका एडिशन फाइंड कर लेंगे और ये सिंप्लीफिकेशन में आपका ए डॉट बी निकल आएगा जिसको हम स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अलावा चलिए हम इसको क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि इसके न्यूमेरिक हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो माना हमने कोई क्वेश्चंस लिया ए इक्वल और बी बार इक्वल में, ए इक्वल में लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसके अलावा बी बार में लिया 3i माइनस 2j प्लस k। अब हमें इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे a बार डॉट b बार इज इक्वल, इसके मल्टीपल होंगे तो आपने देखा है आई कोफिशियंट का मल्टीपल आई कोफिशियंट में होगा, जे कोफिशियंट का मल्टीपल जे कोफिशियंट में होगा और के कोफिशियंट का मल्टीपल आपका के कोफिशियंट में होगा। तो 2 का मल्टीपल होगा आपका 3 में प्लस 3 का मल्टीपल होगा माइनस 2 में प्लस 4 का मल्टीपल होगा आपका, के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इसको 1 मान लेंगे। इसके अलावा अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 और 3 आपका 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 और 2 आपका माइनस 6 हो जाएगा और 4 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 4, ये 6 से माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे, आपका यहाँ पे बचता है 4। तो हमारा ए डॉट बी या ए स्केलर बी हमारा क्या फाइंड हो गया 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, किस तरीके से और सॉल्व करते हैं एक आध और देख लेते हैं। तो हमने ए ले लिया मान लो 6i प्लस 2j प्लस 3k,
बी बार ले लिया हमने 2i प्लस 3j प्लस 3k। सेम हम इसी तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमारा लिखा किस तरीके से जाता है डॉट साइन करके, और इनके कोफिशियंट के मल्टीपल होते हैं तो 6 मल्टीपल हो जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीपल हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 मल्टीपल हो जाएगा 3। यहाँ से हमारा फाइंड होगा जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 6 2 हो जाएगा आपका 12, 3 और 2 हो जाएगा आपका 6 और 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका 9। ये क्या फाइंड हो जाएगा, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा आपका 27। ये आपका डॉट प्रोडक्ट फाइंड हो गया। इसके अलावा अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं आपका स्केलर प्रोडक्ट, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ते थे, और इसको पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे कि हमने दिखाया है कि ए और बी कोई दो वेक्टर लिए हुए हैं, इनके बीच पे अगर क्रॉस का साइन होता है तभी हम इनको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हम इसके में लेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये कोई हमने वेक्टर ले लिए। इसके अलावा लेंगे हम बी के प्रोडक्ट तो पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। जब भी हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वेक्टर्स में देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें डिटरमिनेंट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं तो वो आपका डिटरमिनेंट से ही फाइंड होता है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए हमने डिटरमिनेंट बनाया, यहाँ पे लिखेंगे कोफिशियंट आई जे और के, यहाँ पे हम कोफिशियंट फाइंड करेंगे। इसके जो भी कोफिशियंट रहेंगे वो हम यहाँ पे रख देंगे ए बी सी एंड पी क्यू और आर, ये 3/3 का आपका डिटरमिनेंट कहलाएगा। और नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो देखिए कि हमने ए बराबर, माना ए बराबर हमने लिया 3i प्लस 2j प्लस 3k, और बी बराबर लिया हमने 2i प्लस 4j माइनस 3k। ये हमने ए और बी दो वैल्यू लिए हैं, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हमारा है कि हमें डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट में हमें सबसे पहले रखना है अपने कोफिशियंट वैल्यू आई जे के की वैल्यू रखेंगे। तो हम आई जे के में देखेंगे कि ए की जो वैल्यू हमारी क्या है 3 2 एंड माइनस 3 वो 3। इसके अलावा हमारी बी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 2 4 एंड माइनस 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का हमें तरीका पता है कि डिटरमिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई की वैल्यू को पहले लिखेंगे तो आई की रो एंड आई का कॉलम छोड़ा जाएगा, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे हम उनका क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो हमारे बाकी जो एलिमेंट क्या बच रहे हैं 2 एंड माइनस 3, इनका मल्टीपल होगा 2 और 3 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6, ब्रैकेट में अंदर माइनस लगेगा। इसके बाद 3 एंड 4 का मल्टीपल होगा तो आ जाएगा आपका माइनस का 12। नेक्स्ट में देखेंगे हम जे रखेंगे, जे आगे माइनस हो जाएगा। इसके अलावा जे के कोफिशियंट सेम रहेंगे कि जे का कॉलम और जे की रो आपको छोड़ी जाएगी, इसके बचे हुए जो एलिमेंट होंगे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 और माइनस 3 का मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 एंड 2 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6। सेम इसी तरीके से प्लस
के आएगा, के इसके एलिमेंट और रो छोड़े जाएंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का हम मल्टीपल करेंगे, तो 3 और 4 का मल्टीपल होगा तो आपका हो जाएगा 12, और 2 और 2 का मल्टीपल होगा तो माइनस करके हो जाएगा आपका 4। ये हमारे आई जे के टर्म्स निकल के आए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ से निकलेगा माइनस का 18, 12 और 6 माइनस कितने हो जाएंगे 18, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 9 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 15। इसके अलावा यहाँ से हो जाएगा k, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 8। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे माइनस का 18 आई प्लस का 15 जे प्लस का 8 के। तो ये हमने देखा कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है, जो हमने अभी निकाला है कि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। अब हम इसमें ये देखते हैं, पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि जो भी हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलती थी। आपने आंसर्स देखे होंगे तो क्या इनमें डायरेक्शन नहीं मिली? हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्शन मिली है या नहीं मिल रही है? तो आपने देखा ए डॉट बी निकाला हुआ है तो इसमें आई जे या के ऐसे कोई टर्म्स नहीं आ रहे हैं, मीन्स इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख सकते थे, हमने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं फाइंड की हुई है। जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, और जिसमें हमारी डायरेक्शन मिलती है, जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा हुआ है, अभी हमने क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ है कि जिसमें डायरेक्शन मिलती है वो आपके क्या होते हैं, आपके वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं। हमने इससे पहली क्लासेस में भी देखा है कि स्केलर एंड वेक्टर 11, 12 अगर आपने क्लासेस को देखा होगा, उसमें लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो उसमें देखा होगा कि स्केलर एंड आपके जो वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है। स्केलर प्रोडक्ट में आपकी डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट में जो भी आपके डेफिनेशन होती है उसमें आपकी डायरेक्शन शोर नहीं होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो डायरेक्शन शो करता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में भी दिखाया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम इसके सारे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट से ही वो आपका सॉल्व होता है। और जब भी हमारे सॉल्व होते हैं तो आई जे और के टर्म्स के रूप में आते हैं, जिसको हम डायरेक्शन के सहित लिए जाते हैं और आपका इस तरीके से फाइंड होता है। अगर आप चाहें तो और क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरीके से फाइंड किए हुए हैं, किस में हमारी डायरेक्शन शो हो रही है, किस में हमारी डायरेक्शन शो नहीं हो रही है। तो अगर चलो हम इसके और क्वेश्चंस भी देखते हैं, तो आई प्लस 2j प्लस 3k, इसके अलावा सेकंड लेंगे 2i माइनस 3j प्लस 5k। फिर इसी तरीके से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें पता है डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है। डिटर्मिनेंट हमने ले लिया है i, j एंड k, यहाँ पे हम अपने एक कोफिशेंट रखें, इनके कोफिशेंट जो भी होंगे, i का कोफिशेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 मान लेंगे, j का कोफिशेंट 2 है और k का कोफिशेंट 3 है। सेम यहाँ पे हम b प्रोडक्ट की बात करेंगे तो b में देखिए i का कोफिशेंट 2 है और j का कोफिशेंट -3 है और k का कोफिशेंट आपका 5 है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा सेम वही रहेगा प्रोसीजर जैसे हम पहले कर चुके हैं। आई वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई का कॉलम एंड आई के रो को छोड़ा जाएगा, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं हम उनको ले लेंगे, 2 × 5 कितना हो जाएगा आपका 10, माइनस साइन रहता है। इसके अलावा 3 × -3 कितना हो जाएगा 9, -9 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 9। यहाँ पर फिर माइनस लेंगे, हम लिखेंगे जे, सेम जे के कोफिशियंट लेंगे तो जे की रो एंड जे का कॉलम छोड़ा जाएगा, 5 × 1 मल्टीपल हो जाएगा जिसको हम 5 लिखेंगे, माइनस आपका आ जाएगा 3 × 2, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का के,
इसकी पिछली स्लाइडों में हम देख चुके हैं कि इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस के। इसके अलावा ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू बचेंगी, हम वैल्यू को लिख देंगे, माइनस थ्री इंटू वन हो जाएगा माइनस का थ्री, और यहाँ से टू इंटू टू हो जाएगा आपका माइनस का फोर। अब इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे, टेन और नाइन हो गया आपका नाइनटीन आई, यहाँ से हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव, कितना बचेगा आपका माइनस वन, और माइनस वन और जे हो जाएगा प्लस जे, इनका के कैप भी लगाते जाएंगे साथ में। इसके अलावा आ जाएगा माइनस फोर और माइनस थ्री हो जाएगा आपका माइनस का सेवन के कैप। ये आपका आंसर फाइंड होता है। ये इसमें देखिए आपके आई जे एंड के रूप में आपकी इसकी डायरेक्शन भी शो होती है, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। थैंक यू।